नमस्कार, प्रदेश तक में आपका स्वागत है। मैं हूं इलमान खान। राजस्थान में इसी साल के अंत में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, इसीलिए चुनाव से ठीक पहले बयानबाजी और दावों का सिलसिला तेज हो गया है। सियासी दलों के नेताओं से लेकर कार्यकर्ताओं तक सभी अपनी अपनी जीत का दावा कर रहे हैं। प्रदेश की प्रमुख पार्टियां कांग्रेस और बीजेपी ने चुनावी रणनीति बनानी शुरू कर दी है। पूरे राजस्थान में चुनावी जनसभाओं और रैलियों का शोर है। इसी कड़ी में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बीजेपी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। उन्होंने बीजेपी नेताओं पर तंज कसते हुए कहा है कि भारतीय जनता पार्टी के पास राजस्थान में कोई चेहरा नहीं है, इसलिए तो चुनाव राजस्थान विधानसभा के हो रहे हैं और बीजेपी चुनाव प्रचार में पीएम मोदी का चेहरा सामने ला रही है। यानी बीजेपी के नेता पीएम मोदी के सहारे मुख्यमंत्री बनने का सपना देख रहे हैं। वे इतने काबिल भी नहीं कि अपने दम पर चुनाव जीत सकें। आपको बता दें, ये पूरा बवाल इसलिए मचा है क्योंकि बीजेपी की तरफ से अभी तक किसी को भी राजस्थान में मुख्यमंत्री का चेहरा नहीं बनाया गया है। हालांकि पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के समर्थकों की तरफ से उन्हें सीएम फेस बनाने की मांग किए जाने के बावजूद भी पार्टी का शीर्ष नेतृत्व इसके लिए तैयार नहीं दिख रहा है, जिसका लाभ उठाते हुए अन्य राजनीतिक दल बीजेपी पर हमलावर हैं। चुनावी तैयारियों में जुटे गहलोत ने कहा कि मैं तो प्रधानमंत्री नहीं हूं, इसलिए केवल अपने कामों को लेकर जनता के बीच जाऊंगा। मैंने जो काम किए हैं, जैसा प्रदर्शन किया है, जनता की भलाई के लिए है। मैंने राजस्थान की जनता को सामाजिक सुरक्षा दी है, तो मैं चुनाव भी उसके आधार पर ही लड़ूंगा। दुनिया, देश और मध्य प्रदेश की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए प्रदेश तक।